हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैमरे स्कूल। बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आते हैं। जब भी हमारा लास्ट में रहा है, रही है, रहे आएंगे तो वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होंगे। अब रूल्स देखेंगे हमारे सबसे पहले अफर्मेटिव्स के। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है और प्लस ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ मुझे इज लगाना है, किसके साथ एम लगाना है और किसके साथ आर लगाना है, ये देखते हैं। आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं। एक वचन जब सिंगुलर आ जाएगा तो हमने इज को यूज़ करना है। जब प्रोलर होगा यानी कि बहुवचन होगा तो हम आर को यूज करेंगे। मैं घर जा रही हूँ। मैं की इंग्लिश हमने आई लिख दी। आई के साथ हमेशा ही हम एम लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। और मैंने आपको बताया बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना है। आईएनजी गोइंग टू होम। नेक्स्ट, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। तुम यू, यहाँ हमें पीछे से भी पता चल जाता है बेटा, रहे हो से पता चल जाता है, ठीक है। रहे हो ये भी हमारा प्रोलर है, यहाँ से भी पता चल जाता है। जब मेरा प्रोलर आएगा तो मैंने आर को यूज़ करना है। आर पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी, इसके साथ हमने लगा दिया आईएनजी आ बुक। अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। बेटा नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज नॉट कर देंगे। नेगेटिव से पता चलता है नहीं वाले सेंटेंस। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाना हमें, ठीक है। वह खाना नहीं खा रहा है, नहीं आ गया ना, ये नेगेटिव का सेंटेंस है। इससे मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ पर नॉट लगाना है। शी सिंगुलर था, इज लगा दिया, नहीं था नॉट लगा दिया, खा ईट लगा दिया, आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आई एन जी लगा दिया, खाना फूड। शी इज नॉट ईटिंग फूड। नेक्स्ट देखेंगे, अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है बेटा, इज एम आर सबसे आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव के जो भी सेंटेंस होते हैं हम वहाँ पर सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या वे खेल रही हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव का है, क्वेश्चन पुट किया जा रहा है इसमें, इसीलिए इज एम आर भी आगे लगेगा। इसको देखकर बेटा हमने लगाना है कि हमारा इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। अगर आई है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी एम, अगर प्रोलर है आर लगाऊंगी, सिंगुलर है तो इज लगा दूंगी। अब ये मेरा वे प्रोलर है, आर लगा दिया, दे खेल प्ले आई एन जी प्लेइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बेटा हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है और इसमें हम यूज ऑफ इज एम आर करते हैं। अब मेरा एक डब्ल्यू एच फैमिली वाला गया, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हम कहाँ जा रहे हैं,
इससे ही मुझे पता चल जाता है जब बीच में कभी भी कब क्यों कहाँ कैसे आ जाए, सबसे पहले हमें उसकी इंग्लिश लिखनी होती है, उसके बाद मैं इज एम आर को लगाऊंगी, इसे देखकर लगाना है। मेरा प्रूलर है ना ये, तो मैंने आर लगा दिया। हम की इंग्लिश वी, जाने की गो, आई एन जी गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब लास्ट में आता है मेरा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों ही है, तो इज एम आर भी आगे लग जाएगा और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के हंस नहीं रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बॉयज बहुत सारे हैं इसलिए आर लग गया। नॉट हंसने की लाफिंग, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। बेटा ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस खत्म हो चुका है। आपको इसके रूल्स माइंड में रखने हैं और इसका होमवर्क मैं आपको यूलो पे दे दूंगी। थैंक्स।